Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Reza and welcome to Pengravity. इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो हमारा टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके ओपिनियंस का एनालिसिस विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड टुडे इज 1st October 2024. अच्छा बेटा, ये है जो आपका टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स और ओपिनियंस वाला पेज, और इसके बेसिकली दो पोर्शंस हम लोग करते हैं. एक है एडिटोरियल्स वाला, ये इसके अंदर 1, 2 एंड 3, एक ये है पोर्शन, ठीक हो गया. दूसरा है इसके ओपिनियन वाला जिसके अंदर 1, 2, 3 एंड 4, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन पार्ट ऑफ एनी न्यूज़पेपर. कोई भी न्यूज़पेपर हो, बाकी सारे न्यूज़पेपर के अंदर जो न्यूज़ होती हैं वो सेम ही होती हैं, लेकिन यही एक पोर्शन होता है जो एक न्यूज़पेपर को दूसरे न्यूज़पेपर से डिफरेंट करता है. बहरहाल, ये वाला जो पोर्शन है जिसके अंदर एडिटोरियल्स हैं, ये आप लोगों को इसका लेक्चर जो है वो यूट्यूब चैनल पर, जो हमारा चैनल है वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा. दूसरा आपका ये वाला जो है ये पेड सेशन है जो ओपिनियंस वाला है, और ये वाला जो फर्स्ट लेक्चर है इस मंथ का, ये जस्ट फॉर डेमो आप कंसीडर कर सकते हैं. आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है जिसको आप देख कर समझ सकते हैं कि किस तरीके से काम करवाया जाता है. अब तकरीबन एक साल से हमें ज्यादा हो चुका है इन ओपिनियंस को, एडिटोरियल्स को एनालिसिस करते हुए. तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग ये जो चार ओपिनियंस हैं इनका एनालिसिस करेंगे, और इसके अलावा जनवरी, फरवरी, मार्च, मई, जून, अगस्त और सितंबर, इन सेशंस के जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो अवेलेबल हैं. अगर आप लोग जो है वो लेना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करके इनमें से कोई भी जो सेशन है वो उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स ओपिनियन के सुन सकते हैं. और बाकी ये वाला जो कंटा हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अक्टूबर वाला, इसमें भी अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं फॉर ओपिनियंस, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इसको आप यहाँ पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं. बाकी ये वाला जो आपको मैंने सेशन बता दिया है, ये वाला जो हमारे एडिटोरियल्स होंगे, ये आप लोगों के साथ यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री मिल जाएंगे. अब जो नए स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ उनके लिए एक हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि आखिर ये एडिटोरियल्स और ओपिनियंस आपके काम कहाँ पे आएंगे. तो बेटा, बिंग अ स्टूडेंट ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे CSS है, PMS है, जुडिशरी है, या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसके अंदर खास तौर पर ऐसे आता है, उसमें ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे. हेल्प कैसे करेंगे? इंग्लिश ऐसे में आपको मदद देगा ये सारा मटेरियल. करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, तो बहुत इजीली आप लोग इसको करने के बाद कर लेंगे, कोई बड़ी गेम नहीं होगी. सोशल साइंसेज के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जैसे US हिस्ट्री हो गया, इंडो पाक हिस्ट्री हो गया, इसके अलावा IR हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, वहां पर भी आपको हेल्प करेंगे. क्रिटिकल अप्रोच बेटा आपकी डेवलप करेंगे मुख्तलिफ चीजों के बारे में, आर्गुमेंट बिल्डिंग अप्रोच डेवलप करेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन जो कंप्यूटर एग्जाम्स के अंदर रिक्वायर्ड है और हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर मिस है. तो ये हमारा टारगेट होगा हमारे इन ओपिनियंस और एडिटोरियल्स को एनालिसिस करने का, जो हमारा मकसद है. बाकी जो ऐसे है, इसमें नॉलेज के साथ, आइडियाज की मेच्योरिटी के साथ आपको राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत है. विदाउट राइटिंग प्रैक्टिस यू कैन नॉट पास. ऐसे नहीं पास होगा, जितने मर्जी मेच्योर आइडियाज हों, ऐसे नहीं पास होगा विदाउट राइटिंग प्रैक्टिस. और इसके लिए भी अलहदा से एक हमारे जो सेशन है वो कंटिन्यू है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं. और उसमें सिर्फ ऐसे राइटिंग सिखाई नहीं, करवाई जाती है. सिर्फ आपको थ्योरेटिकली बताया नहीं जाता कि ऐसे कैसे लिखना है, बल्कि डेली आपको टॉपिक दिया जाता है, आप लिखकर भेजते हैं, उसको टीचर चेक करता है, एवेल्युएट करता है, आपका फीडबैक रिकॉर्ड करता है, और उसके बाद आपको फीडबैक रिकॉर्डेड भी भेजता है, और साथ में आपका PDF भी भेजता है. और इसमें कुछ आपको जो लेक्चर्स दिए जाते हैं रिकॉर्डेड, जिसको सुनकर आपको आइडिया हो जाता है कि मैंने लिखना कैसे है, और उसके बाद आपकी प्रैक्टिस करवाई जाती है, सिर्फ आपसे लिखवाया जाता है. और इसके मल्टीपल जो लेवल्स हैं, तकरीबन 5 लेवल्स हैं, जिस लेवल को आप ज्वाइन करना चाहें आप कर सकते हैं. इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप किस लेवल पर खड़े हैं. अगर आप जो है इनिशियल लेवल पे हैं तो हमारे जो नोवाइस लेवल है उससे आप शुरू करेंगे. अगर आप लोग पहले से कंप्यूटर एग्जाम्स में रह चुके हैं, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस है, तो आप लोग उसके नेक्स्ट लेवल जो है 5 लेवल्स हैं, कोई भी आप लोग चूज कर सकते हैं. ठीक हो गया.
तो अब हम शुरू करते हैं हमारा जो टुडे ओपिनियंस है, अ फ्राइंग फेडरेशन। अब इस पहले तो इसका नंबर वन पे आपके साथ क्रक्स डिफाइन कर दूंगा कि इसके राइटर राइटर कहना क्या चाहता है, और नंबर टू पर राइटर ने जो जो कहा वही बातें आपके साथ डिस्कस कर दूंगा, और नंबर थ्री में आपका पेपर सामने रखकर बताऊंगा आपको कि आखिर ये जो बातें हैं कहीं हमारे पेपर में काम आ सकती हैं, अगर आ सकती हैं तो कहां पर आ सकती हैं। ठीक है, तो फ्राइंग फेडरेशन का पहले आप लोग क्रक्स सुन लें। क्रक्स सिंपल सा यही है, क्रक्स यहाँ पर राइटर जो है ह्यूमर राइट्स की बात करता है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और बलोचिस्तान के अंदर। कहता है कि खैबर जो है आपका पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान का प्रोविंस और कहीं कहीं सिंध भी, यानी कि जो आपके प्रोविंसेस हैं वहां पर जो सूरत हाल इतनी खराब हो चुकी है कि वहां के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट। हम लोग ने देखा भी बलोचिस्तान यकजहती कमेटी के होगी, वुमेन्स होगी, बलोच जो बलो अपना पख्तून जो है मूवमेंट हो गई, तो ये सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर राइटर कहता है कि ये जितना मामला खराब हुआ है इसको अगर सही करना है तो हमें एक नए फेडरल स्ट्रक्चर की जरूरत है। कि करंट फेडरल स्ट्रक्चर, कहता है राइटर, कहता है कि ये जितने मसाइल पैदा किए हैं ये करंट फेडरल स्ट्रक्चर की वजह से पैदा हुए हैं। कैसे, पहले करके समझ लें। आपके मुल्क में सिर्फ तीन किस्म की गवर्नमेंट्स हैं, एक है फेडरल गवर्नमेंट जो इस्लामाबाद में बैठी है, जो सेंटर में बैठी है, दूसरी है आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो हर सूबे के अंदर है, तीसरी है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट कहीं आपको नजर आती है कहीं नहीं आती, ये ज्यादा फंक्शनल नहीं है पाकिस्तान के अंदर, ये दोनों फंक्शनल है। ठीक हो गया, अब हर सूबे के अंदर एक गवर्नमेंट है और फेडरल पास भी गवर्नमेंट है। अब होता क्या है, अब यहां पर अगर हम बात करें जो राइटर कहना चाहता है, तो राइटर ये बेसिकली कहता है कि ये जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है ना, ये सारी मसले पैदा कर रही है आपके सूबों के अंदर। कैसे, कहता है कि ये इन सूबों के अंदर जो भी चीज जैसे मिनरल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, या ऐसी चीजें जो इन सूबों को ताकत दे सकती हैं, पावर दे सकती हैं, इनकी इकोनॉमी को बेहतर कर सकती हैं, ये सेंटर क्या करता है, वो इन सूबों से निकाल निकाल के खुद इस्तेमाल करता रहता है और इन सूबों को गरीब रहने देता है, बैकवर्ड रहने देता है। उसकी एग्जाम्पल में वो जैसे मिनरल्स हैं मुख्तलिफ किस्म के, बलूचिस्तान के अंदर सोना है आपका, पीतल है, चांदी है, सिल्वर, सारी चीजें हैं। इसके अलावा गैस है, इसके अलावा पोर्ट है बलूचिस्तान की, सिंध की पोर्ट्स हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जहां से रेवेन्यू जनरेट हो सकता है और वो रेवेन्यू वहां के लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, तो राइटर कहता है कि ये फेडरल गवर्नमेंट ये करती है कि वो जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन है उसको क्या करती है, कंट्रोल कर लेती है। तो जब ये कंट्रोल कर लेती है तो फिर क्या होता है, ये जो दूसरे सूबे हैं खास तौर पर बलोचिस्तान हो गया, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, वहां के जो लोग हैं उनको, वो गरीब रह जाते हैं, उनको बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिलती। ठीक हो गया, तो ये चीज वो कहता है कि ये जो बलोचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, वहां पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड रह गए हैं, और बैकवर्ड रहने की वजह क्या है, ये जो फेडरल गवर्नमेंट है या जो सेंटर है इसकी बदमाशी है, सादा अल्फाज में। ठीक है, और यहां पर वो कहते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके जो सूबे हैं, बलोचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, सिंध है या पंजाब भी है, अगर आप चाहते हैं कि वहां के लोग इज्जत की जिंदगी गुजारें, पुरसकून तरीके से जिंदगी गुजारें, तो ये जो बदमाशी कर रही है ना फेडरल गवर्नमेंट, इसको ये बंद करनी पड़ेगी, और इसको ये करना पड़ेगा कि जिस सूबे में से रिसोर्स, जहां से भी कोई मिनरल्स हैं, गैस है, या कोई भी ऐसी चीज है जो रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, तो उसका पहला हक वहां के लोगों का होगा, उनके पहले मालिक वहां के लोग होंगे, तो उसको ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाएगा वहां के लोगों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए। इसी आर्गुमेंट को आगे वो खुद ही एक्सप्लेन कर देता है कि कुछ जगह पर, हाँ, जब मैं कहता इस तरह लिख रहा हूं ना, तो यहाँ पर सेंटर कहता है या गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट कहती है हमने तो पहले ही ऐसे किया हुआ है, हमने तो पहले ही ऐसे किया हुआ है कि जिस सूबे में से, जहां से कोई जो रिसोर्सेज, जिस सूबे के रिसोर्सेज होंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, बेनिफिट देंगे। लेकिन कहता है ये कहने की हद तक ठीक है, लेकिन ये देते नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं देते।
सो दैट इज द गेम, दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस ओपिनियन, जिसके अंदर बस वो ये कहना चाहेगा, क्रक्स इसका बेटा यही है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जो सूबे गरीब हैं, बैकवर्ड रह गए हैं, तो वो बैकवर्ड इसलिए रह गए हैं क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट उनके साथ नानसाफी कर रही है। अगर वो ये नानसाफी बंद कर दे और उनके रिसोर्सेज उनके ऊपर ही इस्तेमाल किए जाएं, तो वो सारे के सारे आपके सूबे जो हैं वो ग्रो करेंगे, ग्रोथ होगी। और यहाँ पर मैं मेंशन तो नहीं करना चाहूंगा लेकिन करना चाहिए भी, बांग्लादेश की एग्जाम्पल भी ऐसे ही थी, बांग्लादेश से रिसोर्सेज उसके थे लगाते, ये यहाँ पर पंजाब में आकर थे तो वहां के लोग भी प्रोटेस्ट करते थे कि ये गलत बात है कि आप लोग हमारी चीजें वहां पर जाकर लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यही बात है जो हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अब यही बातें राइटर की जुबानी वो क्या लिखता है अब आपने सुनते जाना है, और एंड पर इसको एक चेन बनाकर कंक्लूड कर दूंगा मैं आपके सामने के पेपर में कैसे लिख सकते हैं और कहां कहां लिख सकते हैं। कहता है नेशनल इंटीग्रेशन डिनाइल पॉलिटिकल राइट्स, और इसके अलावा एसेट्स सच एज कोयला गैस एंड द पोर्ट द यूज ऑफ प्राइसिंग, ये सुन ले पहले। ठीक है, और अभी रेकरेंटली ट्रांसफर लैंड इन सिंध एंड केपे, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा टू मिलिट्री फॉर कॉर्पोरेट फार्मिंग इंटेंसिफाई दिस। अब इसमें मैंने उसके अंदर से पॉइंट्स निकाल के सिर्फ लिखे थे ताकि बाकी बोलना तो समझ। अब राइटर यहां पर क्या कहता है, राइटर कहता है कि देखें अगर आप चाहते हैं कि मुल्क जो है उसकी इंटीग्रेशन रहे, यानी कि टूटे ना, इंटीग्रेशन होता है, अगर आपने एफएससी की होगी मैथमेटिक्स में तो यहां पर ये वाला साइन यूज किया जाता है इंटीग्रेशन का, तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम अप, बेसिकली इकट्ठा जोड़ना। ठीक है, तो नेशनल इंटीग्रेशन अगर आप चाहते हैं कि सारे सूबे मिलकर रहें, जुड़कर रहें, टूटे ना, अलहदा ना हो, जिस तरह बांग्लादेश टूटकर अलहदा नहीं हुआ था, तो फिर आपको ये जो आप काम कर रहे हैं ये बंद करने पड़ेंगे। जैसे आप सूबों को पॉलिटिकल राइट्स नहीं दे रहे, जैसे बलूचिस्तान वाले हैं अपनी मर्जी के लोग आप लोग गवर्नमेंट में बिठाते हैं, वहां के जो लोग वोट डालते हैं वो लोग पावर में नहीं आते, ये काम आपको बंद करना पड़ेगा। दूसरा, उनके रिसोर्सेज जिस, जैसे कोयला है, गैस है, पोर्ट्स हैं, जिस सूबे की भी है, ठीक है ना, वो उसका एसेट है, वो डिफाइन करे उसकी प्राइसिंग क्या होगी, किस कैसे होगी, किसको क्या करूंगा मैं, उसको मालिक बनाया जाए, ना कि फेडरल गवर्नमेंट खुद मालिक बन जाए, ये काम आपको बंद करना पड़ेगा अपनी ज्यादादारी। तीसरा, जो अभी लेटेस्ट आया है, अभी जो क्या किया जा रहा है, मिलिट्री जो है पाकिस्तान की उसको सिंध के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कुछ जमीन है जो उसको दी जा रही है फॉर कॉर्पोरेट फार्मिंग। कॉर्पोरेट आपको पता ही होता है बिजनेस पर्सपेक्टिव में के कारोबार करने के लिए, तो यहाँ पर भी जो है बात जो है निकली है कि ये गलत किया जा रहा है, मिलिट्री की ज्यादादारी आप लोग उनको दी जा रही है चीजें। ठीक है, और वैसे तो आपको पता ही है कि मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो है निकलती हैं, कोर्ट्स के अंदर आती हैं कि इतने एकड़ जमीन जो है, हजारों एकड़ जमीन जो है वो मिलिट्री को दे दी गई, उसमें से 10 एकड़ किसी डिपार्टमेंट की होती है, 20 एकड़ किसी डिपार्टमेंट की होती है, तो ये ऑलमोस्ट आई थिंक सो अगर मैं फिगर्स रॉन्ग नहीं कह रहा तो तकरीबन पाकिस्तान की जो आई थिंक जो 21% या 29% लैंड जो है इस वक्त वो पाकिस्तान की मिलिट्री के कंट्रोल में। ठीक है, बहरहाल इसके ऊपर और ज्यादा नहीं बोलूंगा, यहां तक कि आगे चलते हैं। आगे वो कहता है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर, इन दोनों सूबों के अंदर अब हुआ क्या है, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल लीडरशिप थी ना वो अब खत्म हो चुकी है, लोगों का एतमाद जो वहां पर जो वडेरे थे, वहां पर जो सरदार थे या वहां पर जो पुराने पॉलिटिशियंस थे, उनके ऊपर जो है लोगों का एतमाद ट्रस्ट खत्म हो चुका है। अब जो वहां के जवान हैं इन दोनों सूबों के, वो बड़े गुस्से में हैं, और इसकी बहुत ज्यादा रीजंस हैं, और वो रीजन हिस्टोरिकल भी हैं और डीप रूटेड भी हैं। और हिस्टोरिकल में जो मेन रीजन है वो है मिसिंग पर्संस की, एक तो मिसिंग पर्सन का रोल है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का मसला है, और उसके बाद लोगों की सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस बड़ी जो है बड़ी बैकवर्ड है, बड़ी लो लेवल पे लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, और उसकी रीजन ये है कि वहां पर अपॉर्चुनिटीज नहीं है, और अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं है, इस वजह से नहीं है कि वहां के जो रिसोर्सिस हैं, जो आप कह सकते हैं सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन है, उसके ऊपर फेडरल अपना कब्जा कर लेती है। तो ये चीजें हैं बेटा
जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के जो यंग लोग हैं वो अब बाहर निकल चुके हैं और जो उनके पुराने लीडरशिप थी उसको वो अब कंसीडर नहीं करते और वो यहाँ पर खुल के कहते हैं कि ये जो पुराने लीडरशिप है ये क्या है, इसको तो एस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी से बैठाती है, हमारे वोट लेकर ये नहीं आते। अब ये बातें होगी, अब राइटर कहता है कि अब इसको सेटिस्फैक्टरी तरीके से ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बलूचिस्तान वाले केपी वाले, इसको एड्रेस कैसे करना है। तो इसको एड्रेस करने का एक ही तरीका है कि एक न्यू फेडरल स्ट्रक्चर आपको लाना पड़ेगा, फिर ही आप इसको एड्रेस करेंगे। और न्यू फेडरल स्ट्रक्चर कैसे आएगा, उसके लिए जरूरी है कि आप जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसको मजबूत करें, उसके ऊपर चलें। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है 18 अमेंडमेंट के थ्रू के जो सूबे हैं उनको पावर्स दी जाएं और जो फेडरल है कंट्रोल दे सूबों को, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके उनको कंट्रोल दे, जैसे कि कोयला है, ऑयल है, गैस है या मेजर मिनरल्स हैं, जिस सूबे में वो निकलती हैं उस सूबे के पास कंट्रोल होना चाहिए। डेट इज 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो अगर आप चाहते हैं ये सारे मसले मसाइल हल हो जाएं, जो सूबे केपीकी के अंदर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बलूचिस्तान के अंदर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसका सिंपल सा फार्मूला है कि फेडरल गवर्नमेंट या फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस उसको हमें चेंज करने की जरूरत है। और चेंज कुछ नहीं करना, उसको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हम लोग को ऑपरेट करने की जरूरत है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सूबों को 18th अमेंडमेंट के थ्रू जो ऑटोनोमी दी गई थी, जो पावर्स दी गई थी, वो सूबों के देनी चाहिए। और उसमें क्या होगा, उस पावर्स के अंदर एक पावर ये भी होगी कि जिस सूबे के अंदर जो भी रेवेन्यू जनरेशन की अपॉर्चुनिटी होगी वो उसी सूबे की होगी, उसके ऊपर उसी का कंट्रोल होगा। पाकिस्तान जो है कहता है रिचेस्ट रिसोर्सेज हैं, डज नॉट लाई विद द प्रोविंसेस, ठीक है ना, वेयर दे आर फाउंड। पाकिस्तान के अंदर अब क्या होता, हाँ यहाँ पर वो एग्जाम्पल देता है थोड़ी सी डेवेल्प कंट्रीज की, वहां पर वो यही कहता है कि कोई भी डेवलप कंट्री है वहां पर जिस स्टेट के अंदर या जिस प्रोविंस के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के रिसोर्सेज जो पैदा होते हैं, जहां से रेवेन्यू जनरेट होता है, तो उस स्टेट का ज्यादा हक होता है डेवलप कंट्रीज के अंदर, ना कि ऐसा होता है कि उस स्टेट का हक कम होता है। लेकिन पाकिस्तान में अपोजिट है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में है कि अगर जो है, जैसे अब बलूचिस्तान है वहां से गैस निकल रहा है, ग्वादर बलूचिस्तान के पास है, रिकोडिक का चल रहा है प्रोजेक्ट, ठीक है, वहां से सोना निकलेगा, वहां से पीतल निकलेगा और इसके अलावा मल्टीपल डिफरेंट मिनरल्स हैं, ठीक है, सी पैक का रूट वहां से गुजर कर जा रहा है। लेकिन बलूचिस्तान ही सबसे ज्यादा पुअर है, बलूचिस्तान ही सोशो इकोनॉमिकली सबसे पीछे है। तो ये चीज ना फिर हजम नहीं होती जो लॉजिक के ऊपर या जो रैशनल पर्सपेक्टिव में बात करते हैं उनको, ठीक है। तो यहां पर क्या है, उल्टा है, वो कहता है यहां पाकिस्तान के अंदर सूबों की जारादारी नहीं है, ठीक है, और यहां पर क्या है, यहां पर है जनाब अली करप्शन और प्रोविंशियल लीडरशिप जो है वो मिलकर करप्शन करके खा पी लेते हैं और उस सूबे के लोगों को कुछ नहीं मिलता। जैसे अब यहां पर बलूचिस्तान की और सिंध की बात करता है, क्या इनके दो मेन एसेट्स हैं, कौन सा, एक तो मिनरल्स हैं और दूसरी इनकी कोस्ट लाइन है, बलूचिस्तान की भी है और सिंध की भी है, ठीक है ना। अब ये जो एसेट्स हैं इनके ऊपर कंट्रोल किसका है, फेडरल गवर्नमेंट का कंट्रोल है। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा की बात करता है, खैबर पख्तूनख्वा को जो है वहां से, आपको पता है ना क्या, खैबर पख्तूनख्वा से जो है मुख्तलिफ किस्म के हाइड्रो प्रोजेक्ट्स वहां पर लगाए गए हैं जहां से बिजली पैदा होगी, तो वहां पर कहा गया था कि आपको पेमेंट देंगे, लेकिन आज तक वो जो प्रॉफिट निकला है जो बिजली बनाई गई है उसका आज तक इसको पेमेंट नहीं दी गई, इसको डिले किया गया। तो ये क्या है, यानी कि उन सूबों के, उन इलाकों सूबों के जो आप जो हैं एसेट्स को यूज तो कर रहे हैं लेकिन सूबों को बेनिफिट नहीं दे रहे, सारे पैसे कमा के फेडरल गवर्नमेंट ले जाती है और उसके बाद वो क्या करती है, जहां पर उसका दिल करता है वहां पर वो उसको खर्च करती है। ये बेसिकली डेमो लेक्चर है, फिर ज्यादा मैं खुल के बोल भी नहीं सकता, उसकी रीजन ये है कि आपको यू नो वेरी वेल अबाउट द करंट सिनेरियो ऑफ पाकिस्तान, के यहाँ पर जो है राइट टू इंफॉर्मेशन कह लें कि क्रिटिसिज्म का क्या रिजल्ट्स आते हैं। सो दैट इज अनदर रीजन जिसकी वजह से ये लेक्चर्स पेड हैं, कि वहाँ पर फिर जहर है कंट्रोल होंगे, इसकी प्रोलिफरेशन नहीं हो सकेगी। तो बहरहाल जितना मैं कोशिश करूँगा कुछ चीज़ें आप खोल के बता दूँ। यहाँ पर जो आगे राइटर कहता है, आर्गूमेंट क्या देती है फेडरल गवर्नमेंट, जब आपको ये कहा जाता है कि आप तो सबका हक खा गए हैं, तो उसका आर्गूमेंट होता है कि जनाब मैंने कुछ नहीं कहा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं वो हमारे पार्टनर्स हैं,
फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि जितनी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो हमारे पार्टनर्स हैं. किस चीज में? कि हम जब भी फैसला करते हैं किसी भी चीज का तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के थ्रू फैसला करते हैं. काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बनाई गई है, कमेटी आप कह सकते हैं, ठीक है. तो उसके थ्रू क्या किया जाता है, फैसला किया जाता है कि जनाबी अली कि ये फॉर एग्जांपल गैस बलूचिस्तान में से निकली है तो फेडरल गवर्नमेंट बैठेगी, बलूचिस्तान वाले बैठेंगे, फिर मिल बांट कर बैठ कर हम लोग फैसला करेंगे अब इस गैस का क्या करना है, किसको कितना हिस्सा देना है. तो कहता है ऐसी बात नहीं है कि हम किसी का हक खाते हैं, हम किसी को हक नहीं देते. लेकिन वो कहता है ये काउंसिल ऑफ कॉमन ट्रस्ट तो आपने बना दी है बट प्रैक्टिकली ये बहुत वीक है, प्रैक्टिकली आप चीजें देते नहीं है. क्यों? ओके, कॉमन काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की जगह पे अब एक इसको अल्टरनेट एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बना ली गई है जिसकी वजह से ये काफी हद तक कमजोर हो चुकी है. मैं यहाँ पर सिंपल एंड टू द पॉइंट बात करूंगा. पहले थी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट. काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो थी बेसिकली आपकी इकोनॉमी के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे उनके ऊपर ये फैसले करती थी कि क्या करना है. लेकिन अब बना दी है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल. इसका जो मेन मकसद है अब समझ लें कि उसके मेन काम इसके पास आ गए, ठीक है. तो इस वजह से अब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट काफी वीक हो चुकी है. और क्यों बनाई है वो भी अभी बता देता हूँ. काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ये आपने यहाँ से पढ़ लेना है, ठीक है. 1973 फाउंडेड हुई. इसका काम यही था कि हम लोग मिलकर सारे जो है बड़े बड़े फैसले करें. उसके बाद बनाते हैं स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल. अब स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल अभी जब आपकी पीडीएम की गवर्नमेंट थी ना पहले तो तब ये बनाई गई थी 2023 के अंदर. ये बात सुन लिया, 2023 के अंदर इसको बनाया गया. ये आपने खुद सारे का सारा पढ़ लेना है. अब ये 2023 के अंदर काउंसिल स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाएगी और इसका मेन मकसद ये बताया गया टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड बूस्ट द कंट्रीज इकोनॉमी. यही काम जो था वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट कर रही थी लेकिन आपस में मिलकर हम फैसले करते थे, ठीक है. लेकिन इन्होंने बाद में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बना दी और इसका मतलब ये. लेकिन यहां पर और यहां पर एक बड़ा डिफरेंस आपको नजर आएगा और वो ये वाला है कि इसके मेंबरशिप के अंदर ये भी मौजूद है, यहां पर नहीं. समझ गए होंगे अब तो आप, ठीक है. So that is the main reason कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट लगे, बेशक वो फॉरेन बाहर से पैसा आकर लगे या आप लोग लगाएं मिलकर, उसके अंदर इनका होना बहुत जरूरी है. इनके बगैर तो मुल्क चलेगा नहीं. So that is the reason कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल क्यों बनाई गई और इसको क्यों वीक कर दिया गया. समझ गए जी, आगे चलते हैं. बाकी वो कहता है आर्टिकल 158 की अगर आप लोग इंटरप्रिटेशन करें तो वो यही कहता है कि वो सूबा जिसके अंदर जहां से जो है गैस या कोयला मिला है उसके ऊपर उसी का हक है, वो उसको यूटिलाइज करेगा, ठीक है ना. लेकिन बाद में कहा गया जी इसको जो है वो सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है, और कंजप्शन जो है वो नहीं सही तरीके से कर पाएगा, वेस्ट होगा. तो इसकी जो मिस इंटरप्रिटेशन करके और अब क्या है अब वहां पर जो है फेडरल गवर्नमेंट भी अपना हिस्सा डाल लेती है. आगे वो एक दो एग्जांपल्स आपके साथ देता है. कहता है पंजाब ने क्या किया, सेक्शन 144 लगा दी. अब सेक्शन 144 आपको पता है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती है या आपकी प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होती है, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कहती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भाई लगा दो इस जगह पर ये बात, ठीक है. और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपका डीसी हो गया, आपका कमिश्नर हो गया, वो सेक्शन 144 लगाता है. और सेक्शन 144 क्या होता है, ये बस ये होती है कि भाई इस 10 दिन में ये काम नहीं होगा या इस 15 दिन में ये काम नहीं होगा या इस 2 दिन में ये काम बंद. कोई भी काम वो उसके अंदर नोटिफाई कर देते हैं, नोटिफिकेशन कर देते हैं कि भाई इस 5 दिनों में ये वाला काम नहीं होगा, रैली नहीं निकलेगी, इन 5 दिनों में जो है कोई जुलूस नहीं कर सकेगा, इन 5 दिनों में ये वाली सड़क बंद रहेगी, इन 5 दिनों में क्या होगा ये तलीमी अदारा बंद रहेगा, कोई भी वो कर सकते हैं नोटिफिकेशन. तो पंजाब ने क्या किया, सेक्शन 144 लगाया. किसके ऊपर? मूवमेंट ऑफ वीट के, जो गंदम है वो क्या है मूव नहीं कर सकेगी. मूव कहाँ नहीं कर सकेगी कि एक पंजाब से बाहर नहीं जा सकेगी, गंदम बाहर जाना बंद कर दी गंदम ताकि पंजाब के अंदर ही रहे. तो उसका रिजल्ट क्या निकला, पंजाब ने खुद गंदम खरीदी नहीं और उसका रिजल्ट यह निकला कि उसकी मार्केट प्राइस बहुत नीचे चली गई,
ठीक है ना, और उसके बाद किसानों को नुकसान भी हुआ, एक काम इन्होंने पंजाब वालों ने ये किया, ठीक है। दूसरी तरफ लेटर कहता है कि पंजाब और सिंध अपनी जो कॉटन है और वीट है वो खैबर पख्तूनी खान को एंड रिलेटेड टू प्रोडक्ट टू खैबर पख्तून बलोचिस्तान, यानी कि खैबर पख्तूनी खान और बलोचिस्तान को क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड प्राइस से भी ज्यादा महंगी बेच रहे हैं। कॉटन और वीट जो है पंजाब और सिंध जो है इनको महंगी जो बेच रहे हैं, इनको महंगी बेच रहे हैं, लेकिन इनसे गैस जो है वो बहुत सस्ती ले रहे हैं। तो ये गलत बात है कि चीजें इनको महंगी बेचते हैं और लेते हैं इनसे सस्ती हैं। यहां पर वो कहता है कि इस्लामाबाद जो है वो बलूचिस्तान के अंदर मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज कर रहा है, मतलब मुख्तलिफ किस्म के उसने प्रोजेक्ट्स लगाए हुए हैं, जिसके अंदर ग्वादर है, गदनी है, गदनी भी आपको पता ही है जो है आपकी पार्टनरशिप चाइनीज के साथ पार्टनरशिप करके ये पोर्ट है उसको एक्टिवेट किया जा रहा है, और सिंदाक और रिकोडिक, सिंदाक और रिकोडिक दोनों के दोनों क्या है डिस्ट्रिक्ट हैं, कहाँ पर हैं, ये आपके चागी के अंदर है, ये जो सिंदियाक है ये चागी के अंदर बलोचिस्तान के अंदर जो है ये एक टाउन है, और वहां पर भी क्या है गोल्ड और कॉपर वगैरह के प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं चागी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो इसी तरीके से रिकोडिक भी वहां पर ही है, और वहां पर क्या किया जा रहा है सोना वगैरह पीतल वगैरह जो है वहां से निकाला जा रहा है बलोचिस्तान के अंदर से, तो ये प्रोजेक्ट्स वहां पर लगाए हुए हैं। अब बाकी वो बात करता है कि अब जो एग्जिस्टिंग अनफेयर अरेंजमेंट्स है ना, इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि फेडरल सिस्टम जो है ना जेन्युइन फेडरल सिस्टम होना चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट जेन्युइन होनी चाहिए, लिजिटिमेट होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, और वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रूव करे, ना कि ऐसा होना चाहिए कि वो जी नई नई चीजें जैसे सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट का नाम रखकर मुख्तलिफ किस्म के लफ्ज ढूंढ लेते हैं ना, जो पॉलिटिकल सिस्टम को खराब किया, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट क्या करे वो कि सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट की जो एक बनाकर ऑर्डर सामने रख के कि हमको अब सबको मिलकर चलना चाहिए तो दूसरों का हक खा ले, ठीक है ना। तो वो कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, देयर इज अ स्मॉल विंडो, बड़ी छोटी सी विंडो रह गई, और विंडो किस लिए वो छोटी सी रह गई है कि भाई अब बलूचिस्तान वाले, खैबर पख्तूनी खान वाले, गिलगित बल्तिस्तान वाले, आजाद कश्मीर वाले, ये सारे तंग बढ़ चुके हैं आपसे, और पंजाब और सिंध में भी अब तो वही हरकतें की जा रही हैं जो बलूचिस्तान में और सिंध में की जा रहा, उसमें केपीकी में की जा रही थी। मिसिंग पर्सन के केसेस अब पंजाब में भी आपको नजर आने शुरू हो गए हैं, और इसके अलावा पंजाब के अंदर भी बेशक आप राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू क्रिटिसिज्म, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच आपका छीन लिया गया है। अगर आप ज्यादा बातें करेंगे तो आपके साथ क्या होगा, यू नो वेरी वेल, आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखा ही होगा, हाँ फनी वीडियोस देखें, मजाक करें, डांस करें, उसके ऊपर कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, लेकिन जैसे ही आप ऐसी बात करते हैं जिसमें पावर एलीट को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है तो फिर आपके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है बींग अ पाकिस्तानी, ठीक हो गया। तो यही चीजें अब आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे दूसरे दो प्रोविंसेस थे सिंध और पंजाब, इसके ऊपर भी उनका कलर जो है आना शुरू हो गया है। भारत की सारी चीजें राइटर ने इसमें डिस्कस कर दी, कनेक्ट कर दी डिफरेंट डिमेंशन से। अब आते हैं पेपर की तरफ, तो पेपर की तरफ सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान अगर चाहता है कि वो ग्रो करे, पाकिस्तान अगर वो चाहता है कि वो प्रोग्रेस करे इकोनॉमी के परस्पेक्टिव में, पॉलिटिक्स के परस्पेक्टिव में, सिक्योरिटी के परस्पेक्टिव में, ग्रो करे, पाकिस्तान को जितनी प्रॉब्लम्स हैं, बेशक वो इसका टेररिज्म का मसला है, बेशक वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मसला है, बेशक वो इसकी इकोनॉमी के क्राइसिस हैं, ठीक है ना, पुअर क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, हेल्थ के इश्यूज हैं, या कोई भी इशू है, या फॉरेन एक्टर्स का बीच में प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है पाकिस्तान को, तो उसका राइटर एक ही हल बताता है, और वो हल है कि ये जो फेडरेशन है ना पाकिस्तान की, ये अपना रवैया जो है ठीक कर ले, ये अकॉर्डिंग टू द मेरिट चले। और मेरिट क्या कहता है, मेरिट ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मेरिट क्या है, मेरिट है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 18th अमेंडमेंट के तहत जितने भी सूबे हैं आपके, बलोचिस्तान है, केपी है, सिंध है, पंजाब है, उनको फेडरल गवर्नमेंट पावर्स जो है उनको शेयर करें, वो आगे पावर जो है लोकल गवर्नमेंट को शेयर करें, अपने पास कंसंट्रेशन ऑफ पावर ना करें, ठीक है। तो जब ये काम होगा तो अल्टीमेटली 18th अमेंडमेंट के थ्रू ही
हर सूबे के अंदर जो भी उसके रिसोर्सेज हैं, जो भी उसके एसेट्स हैं, जहां से रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, उस पर पहला हक उसके लोगों का होगा। तो अल्टीमेटली वहां के लोग जो है, जब वहां की दौलत वहां के लोगों पर लगाई जाएगी, तो वो लोग जो है इकोनॉमिकली भी बेहतर होंगे, सोशली भी बेहतर होंगे, ठीक है, और इसके साथ साथ वो मुल्क के साथ प्यार भी करेंगे, नेशनल डिसइंटीग्रेशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, टेररिज्म की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, एंड मैनी अदर प्रॉब्लम्स आल्सो सॉल्व बाय दिस। लेकिन अगर फेडरेशन इस तरह करती है कि उनके एसेट्स को अपने बेनिफिट्स का अपनी मर्जी से इस्तेमाल करती है, अगर वो बोलें, वो प्रोटेस्ट करें, तो उनको दबाने की कोशिश करती है, तो विद टाइम क्या होगा, ह्यूमन राइट्स की ये जो वायलेशंस हो रही हैं, ये ज्यादा देर तक नहीं चल पाएंगी, एंड अल्टीमेटली वी विल मूव टुवर्ड्स नेशनल डिसइंटीग्रेशन। और अगर फिर नेशनल डिसइंटीग्रेशन होगी तो फिर वही है, सिविल वार है, तबाही है, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें यू कैन डिस्कस इन दीज पर्सपेक्टिव्स, ठीक हो गया जी। आगे अब एक और चीज बता दूं बेटा, यहाँ पर जो है ना, ऐसे में आपको पता है ना, ऐसे में ऑनलाइन नहीं कोर्स नहीं है कोई भी, इसीलिए नहीं कि आपकी खुद की डेवलपमेंट होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आइडियाज को कैसे कनेक्ट करने हैं, और ये इसी तरीके से आप सीखेंगे चीजें पढ़कर सुनकर। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो ओपिनियन है एज लेजिसीज ऑफ कॉलोनियलिज्म को, अच्छा इस पहले इसका क्रक्स सुन लेनी क्या राइटर कहता है। तो क्रक्स के अंदर बच्चे ये है, कश्मीर की बात करेगा, फलस्तीन, इन दोनों की बात करेगा, ठीक है, और बाद में वो ये करेगा, हिस्ट्री इनकी हल्की सी डिस्कस करेगा, और इनका करंट वर्ल्ड के अंदर क्या सिनेरियो है, क्या चल रहा है, वो डिस्कस करेगा, और साथ में एक दो बातें भी डिस्कस करेगा जिसके अंदर वो कश्मीर और फलस्तीन की जो जड़ है, जो रूट है, वो कहेगा डिफरेंट है, सेम नहीं है। अब क्या आप कहेंगे सर वो कैसे, तो वो अभी जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इन दोनों की जो रूट है वो डिफरेंट कैसे हैं और सेम कैसे हैं, ठीक है। और खास तौर पर जो करंट वर्ल्ड चल रही है, आपको यहाँ पे पता लगेगा, जिनसे आप बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि वो फलस्तीन की मदद कर दें, वो कश्मीर का मसला हल कर दें, वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है। वैसे तो फलस्तीन को हम अक्टूबर 7 से ये वाकया चला हुआ है, और उससे हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम द फर्स्ट डेज के मुख्तलिफ डिमेंशंस, और जिन बच्चों ने तो सारे लेक्चर सुने हैं उनको तो अब फलस्तीन का पता चल गया होगा कि ये दुनिया कहाँ रहती है और फलस्तीन कहाँ रहता है, और ये जो आम लोग हैं जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, वो बस सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट शेयर करके वो समझते हैं हमने अपना हक अदा कर दिया, तो बच्चे उससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, वो कोई फायदा नहीं है। बहरहाल शुरू करने से पहले आप हल्का सा मैप देख लें, ये बेटा आपका कश्मीर का मैप है, आपको बनाना आना चाहिए। अगर आपको कश्मीर के पर्सपेक्टिव में कोई पेपर में आता है, तो अगर आप 2-4-5 मिनट के अंदर अंदर ये प्रैक्टिस इतनी रखें कि 2-4-5 मिनट के अंदर अंदर आप इसको बना सके, 2-4 लाइनें हैं, तो ये एक पॉजिटिव इमेज आपका डेवलप करेगा करंट अफेयर के अंदर का पेपर में, पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर्स के अंदर, ये किसी भी पेपर के अंदर। हाँ, ऐसे के अंदर आप डायग्राम्स नहीं बना सकते, वहां पर आपने लिखना है, लेकिन बाकी जितने भी आपके पेपर हैं सोशल साइंसेस के, उसके अंदर अगर आपको कहीं पर कश्मीर इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस डिस्कस करने हैं, तो विद मैप अगर आप डिस्कस कर दें तो इट्स अ पॉजिटिव पॉइंट, ठीक हो गया, प्लस में चले जाएंगे आप दूसरे कैंडिडेट से। तो ये बेटा क्या है कि मैप है, आपको पता ही, अब कई स्टूडेंट्स तो पुराने हैं, दे नो वेरी वेल। बहरहाल ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर है, ये पाकिस्तान के पास है, ये गिलगित-बल्तिस्तान हो गया, आजाद कश्मीर हम इसको कहते हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर है, ये सारे का सारा कश्मीर इंडिया के पास है, ये चाइना के पास है, इसको आपने देख लिया, ठीक है, ओवरऑल ये सारा मलाएं तो फिर कश्मीर बनता है। दूसरा है फलस्तीन, फलस्तीन बेटा दो चीजें हैं, गजा प्लस वेस्ट बैंक को मलाएं तो फलस्तीन बनता है, ये इसकी 1967 की जो सीज फायर लाइन है उसकी नक्शा है, और अगर करंट आपको दिखाऊं तो करंट ये सूरत हाल हो चुकी है कि यहाँ से 1947 से ये शुरू होता है मामला, और 2011 तक अब ये वाला जो है वाइट कलर में आपको नजर आ रहा है, ये है आपका फलस्तीन, और बाकी ऑरेंज सारा जो है इसराइल है, और यहाँ पर गजा है, और यहाँ पर अक्टूबर 7 से क्या कर रही है, बम्बारमेंट की जा रही है, उसके साथ ये लबनान है जिसकी तरफ अब जो है इसराइल की फोर्सेज ने कदम बढ़ा चुके हैं, और आजकल वहां पर वो ऑपरेशन कर रहे हैं, और हिजबुल्ला के जो लीडर थे वो भी शहीद हो चुके हैं, यहाँ पर हमास है, यहाँ पर हिजबुल्ला है, और इन दोनों को कौन करता है बैक, इनको ईरान बैक करता है, ठीक है। और अगर आप मैप से देखें तो यहाँ पर आपको ये वाला लबनान नजर आएगा, इसके साथ ही सीरिया है, यहाँ पर जॉर्डन है, तो बेसिकली इनके प्लान्स तो फ्यूचर में यही है इन सबको हड़प करने के। बहरहाल तो यहाँ पर है बेटा लबनान के अंदर थी हिजबुल्ला, और हमास जो थी वो थी यहाँ पर गजा के अंदर, ठीक है, हमास के साथ ही लड़ते रहे अक्टूबर 7 से, नो दे मूव टू वर्ड्स
हिजबुल्ला, ठीक है। और यही चीजें सारी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, आपको थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट भी नजर आएगा कि क्या हो क्या रहा है दुनिया के अंदर। फलस्तीन और कश्मीर कहता है एक दूसरे से लिंक करते हैं। यूनाइटेड नेशंस के अंदर 1947 में जब इसराइल बनता है तो उसी साल जो है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्रैश होता है कश्मीर के बारे में, और 1948 के अंदर ही यूएनओ का रेजोल्यूशन आ जाता है, और रेजोल्यूशन में यही कहा जाता है कि यहाँ पर प्लेबिसाइट करवा लो, रेफरेंडम करवा लो, लोगों से वोटिंग करवा लो, तो जिस साइड में लोग ज्यादा वोट देंगे उस साइड पे अगर पाकिस्तान की तरफ या इंडिया की तरफ इनको कर दो। लेकिन उस रेजोल्यूशन के ऊपर आज तक रेफरेंडम नहीं करवाया गया, ठीक हो गया। और पाकिस्तान और इंडिया जो है वेटिंग में थे कि तो इसी रेजोल्यूशन की वजह से पाकिस्तान ने आज तक जो है कश्मीर को अपना हिस्सा नहीं बनाया, और इंडिया ने बाहर वाला आर्टिकल 370 तोड़ कर जो है इंडिया को अपना हिस्सा बना लिया, आजाद कश्मीर को अपना हिस्सा बना चुका है। बाहर फलस्तीन को कौन सपोर्ट करता है और कश्मीर को? फलस्तीन को जो है यूएसएसआर वाले सपोर्ट करते हैं और कश्मीर को वेस्ट वाले सपोर्ट। थोड़ी अजीब बात है ना कि फलस्तीन को कौन सपोर्ट करता है? यूएसएसआर, जो आपका रशिया बनने से पहले का था, बाद में यूएसएसआर ब्रेक हुआ और वहां से 15 मुल्क बने और साथ में रशिया भी बना, अजबकिस्तान पाकिस्तान के सारे वहां से जनरेट हुए, ठीक है। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ क्या था? रशिया था। अगर यहाँ पर मैप में यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो बेटा ये सारे ये रशिया आपके सामने है ना, अब ये जितने भी है ना ये वाले, ये यूक्रेन भी, ये सारे के सारे, ये अजरबैजान, तुर्कमानिस्तान, ये सारे के सारे जो हैं पहले यूएसएसआर थे, और उसके बाद जब ब्रेकडाउन होता है तो उसके बाद ये रशिया बनता है। तो रशिया कौन किसको सपोर्ट करता है? फलस्तीन को सपोर्ट करता है। और कश्मीर को कौन सपोर्ट करता है? वेस्ट वाले कश्मीर को सपोर्ट करते हैं, इसकी बैक करते हैं। कैसे कैसे करते हैं ये सुन लें। तो पहले बात करते हैं फलस्तीन, फलस्तीन की जब बात की जाती है तो कहते हैं कि जितनी भी मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं, यहाँ पर मैंने बोला था भी यूएसएसआर वाले इसको सपोर्ट करते हैं, जितने भी मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं मुसलमान हैं आपको पता है, वो सारी की सारी फलस्तीन के बारे में दिल से सपोर्ट नहीं करते। क्यों? वो वैसे तो मॉस्को के यानी कि यूएसए की साइड पर है वो सारे के सारे। अब आप कहेंगे वो कैसे? असल में बेसिकली सऊदी अरेबिया है आपका मेन है, कुवैत है, जहाँ पर बहरीन है, कतर है, ये सारे के सारे, यमन, ओमान, ये जितना इजिप्ट है, लीबिया है, ये जितने भी मिडल ईस्ट कंट्रीज है ना बेसिकली, ये अमेरिका के अगेंस्ट नहीं जा सकते ड्यू टू डिफरेंट रीजन। जैसे अगर इजिप्ट की बात करूं, थोड़े दिन पहले आपके साथ डिस्कस किया था, आपने देखा IMF से कितना बड़ा लोन इसने लिया हुआ पाकिस्तान की तरफ, तो बस बात खत्म हुई ना, कर्जे में नहीं बोलेगा। सऊदी अरेबिया की बात की जाए, खिलाफत सिस्टम है, डरता है कि अगर जो है उन्होंने मैंने कोई बात कर दी तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि डेमोक्रेटिक फोर्सेस का बहाना लगाकर यहाँ पर प्रोटेस्ट करवाए जाएंगे और मेरी खिलाफत जो खतरे में आ जाएगी, ठीक होगा। ये कतर के अंदर वैसे ही उन्होंने बहुत बड़ी अपनी एक बेस बनाई हुई है, मिलिट्री बेस यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर इतना बड़ा इनका सेंटर है कि वो आप इस एरिए की जो 30 से 40 अमेरिका की जो बेसिस हैं उनको यहाँ से ऑपरेट किया जाता है। यानी कि दे आर मल्टीपल हिस्टोरिकल फैक्टर्स जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि मिडल ईस्ट वाले अमेरिका के पीछे खड़े हैं। वो जोर इसीलिए नहीं दिया, अक्टूबर 7 से 40,000 प्लस लोग मर चुके हैं, लेकिन इन मुल्कों ने स्वाय स्टेटमेंट देने के कुछ नहीं किया, बेशक वो सऊदी अरेबिया है या कोई भी है, ठीक है। तो यही रीजन थी। बाकी अगर पाकिस्तान की बात करें तो राइटर ने यहाँ पर दायरा लगा के एक बार पाकिस्तान मिलिट्री जो है इसको यूज किया गया था टू क्रश फलस्तीन अपराइजिंग इन जॉर्डन इन 1968 में फलस्तीन की अपराइजिंग को क्रश करने के लिए पाकिस्तान के मिलिट्री का इस्तेमाल किया गया। इसको आप लोगों ने खुद से सर्च करना है कि क्या हुआ था, ठीक है। आगे जी, और कमेंट सेक्शन में भी आप लोगों ने बताना है कि क्या हुआ था, ठीक है। हम तो कहते हैं ना न्यूक्लियर पाकिस्तान, न्यूक्लियर ये इस्लामिक, इधर से फोर्सेज ये करेंगे वो करेंगे, और यहां पर देखें क्या हो रहा है। दूसरा वो कहते हैं कि अब यूएसए का जो टारगेट है वो है लीबिया, सीरिया, इराक, साउथ यमन और ईरान। जैसे मैंने अभी आपको बताया ये सारे मुल्क, सीरिया, लबनान, जॉर्डन, ठीक हो गया, और साथ में ये आपका लीबिया, ये सारे के सारे, और साथ में ये यमन वाले यहाँ पर वैसे ही होती हैं, ये सारे किसके टारगेट हैं? यूएसए के टारगेट्स हैं, और इनके ऊपर दे विल वर्क, कर उन्होंने काम शुरू कर भी दिया है अभी। और अभी क्या हो रहा है? फलस्तीन के ऊपर टारगेट किया हुआ है, लेकिन फलस्तीन और कश्मीर की रूट्स डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? इंडिया की बात अगर की जाए तो इंडिया जो है जस्ट लाइक इजिप्ट,
वो इसराइल को सपोर्ट करता है, अमेरिका को सपोर्ट करता है, वो इनके खिलाफ नहीं बोलता। उसके बाद अगर कश्मीर की यहाँ पर बात की जाए, तो अभी यूनाइटेड नेशंस की अभी जनरल असेंबली के अंदर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा कि इंडिया जो है वो तैयारी कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर एक स्ट्राइक करने की, ठीक है ना, मिलिट्री एडवेंचर करने की, ऑपरेशन करने की। तो वो एक तैयारी कर रहा है जिसको जिसमें ये जवाब दिया गया कि पाकिस्तान जो है ना वो इंटरनलाइजेशन कर रहा है कश्मीर इशू की, ठीक है, इंटरनेशनलाइजेशन कर रहा है कश्मीर इशू की, दुनिया को बता रहा है कि कश्मीर को इशू है। लेकिन दूसरी तरफ चाइना क्या कर रहा है, चाइना ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर, हालांकि इनके भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं इंडिया के साथ, लेकिन इन्होंने एक लफ्ज भी नहीं बोला इंडिया के बारे में, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं की। और इसका मतलब है कि ये जो इंडिया और चाइना है, ये भी चाहते हैं फ्यूचर में अपना एक दूसरे के साथ रिलेशंस को डेवलप करना, एक दूसरे के साथ जो है वो इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में डिस्कशंस करना, बेहतरी की तरफ जाना। तो इस वजह से चाइना ने वहां पर इनको कोई क्रिटिसाइज नहीं किया। दूसरी तरफ राइटर कहता है कि इंडिया जहां पर पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि इसने कश्मीर में जाकर जो है इंटरनेशनलाइजेशन करने की कोशिश की है, कश्मीर इशू की दुनिया को बताने की कोशिश की है, तो यहां पर वो हल्की सी बात कर देता है कि ये पाकिस्तान को करने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान ने इंडिया ने अपने आप ये काम कर लिया है कि कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइजेशन खुद ही दिलवा दिए। कैसे, अभी थोड़े दिन पहले सितंबर के अंदर ही यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इलेक्शंस हो रहे थे, तो वहां पर इन लोगों ने क्या किया कि इंडिया वालों ने इन्होंने एक टूर जो है अरेंज किया जम्मू एंड फॉरेन डिप्लोमेट्स का, ताकि वो चेकआउट कर सकें कि इलेक्शंस कैसे हो रहे हैं। तो यहाँ पर राइटर कहते हैं क्या उत्तर प्रदेश में अगर इलेक्शंस होते तो तब भी ऐसा ही करते, तो इन्होंने खुद ही इसको इंटरनेशनलाइजेशन किया है। बहरहाल अब आती है जो मेन बात है, बाकी बातें तो वो की, अब आती है जो बात है कि ये इसराइल कर क्या रहा है। हमास के साथ इसने पंगा डाला, गजा में इन्होंने इसने लोग मारे, और अब एक साल के बाद इसने लबनान की तरफ मूव करना शुरू कर दिया है। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ दिस, तो राइटर यहां पर आपको बताता है कि हुआ क्या, स्टोरी क्या है। राइटर यहां पर कहता है कि 9 वेस्टर्न सैटेलाइट, 9 जो सैटेलाइट हैं वेस्ट के, वो परमानेंटली फोकस करके बैठे हुए थे उन एरिया के ऊपर जहां पर इसराइल ने ऑपरेट करना था पिछले कई टाइम पीरियड से, कई सालों से। जो आपके वेस्ट के 9 सैटेलाइट्स हैं वो उन एरियाज पर जहां पर इसराइल का इंटरेस्ट था, और इसराइल ने जिन एरियाज को क्या करना था, जहां पर ऑपरेशन करने थे, जहां पर जंग छेड़नी थी, उन एरियाज को पिछले कई सालों से वेस्टर्न 9 वेस्टर्न सैटेलाइट जो हैं उन एरियाज को बड़ी डीपली ऑब्जर्व कर रहे थे, उनकी छोटी छोटी, उनका जो लैंडस्केप है उसकी छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। तो आसमान से वो नजर रखे हुए थे हिजबुल्ला के ऊपर, सीरिया के ऊपर, ईरान के ऊपर और खूतीस के ऊपर। एक बात यहां पर राइटर कहता है कि हमास के ऊपर नहीं, अब यहां पर वो थोड़ा क्रिटिसिज्म करना चाहता है, कहते हैं कि 9 सैटेलाइट इन एरियाज के ऊपर नजर रखे हुए थे बड़ी ही ब्रीकी से कई सालों से, तो क्या वो हमास के ऊपर नजर नहीं रखे हुए थे? लेकिन अगर वो हमास के ऊपर नजर रखे बैठे थे तो फिर अक्टूबर 7 कैसे हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था। तो यहां पर राइटर कहता है कि ये अक्टूबर 7 जो हुआ है ये इन लोगों ने स्पेस दी है कि कोई बात नहीं, होना चाहिए अक्टूबर 7, बिकॉज दे हैव प्लान्स। उनके प्लान्स क्या थे कि इस तरह का इंसिडेंट हो और उसके बाद हम शुरू करें अपना प्लान जो कि वो पिछले कई सालों से बनाकर बैठे थे, और उस प्लान के अंदर क्या था, हिजबुल्ला है, सीरिया है, ईरान है, और साथ साथ इनके जो दूसरे अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किए ये सारे टारगेट्स हैं, आपका ये वाला सीरिया हो गया, जॉर्डन हो गया, ईरान हो गया, लबनान हो गया, लीबिया हो गया, यानी कि ये मिडल ईस्ट के कई मुल्क जो हैं इनके टारगेट में थे फॉर मैनी ईयर्स। वो ऑब्जर्व कर रहे थे यहाँ पर क्या हो रहा है थ्रू सैटेलाइट्स, उन्होंने फोकस इसके एरिया के ऊपर रखा हुआ था, ठीक हो गया। तो राइटर कहता है कि यहाँ पर ये जो है इनका पहले से प्लान था, अक्टूबर 7 तो बहाना बन गया बीच में, और अब क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं इसलिए वो कहता है कि अब यूएसए की अगर जो प्रेसिडेंट वगैरह है उनकी ये ज्यादा बात भी नहीं सुन रहा, अपनी मर्जी कर रहा है। और इसका रिजल्ट क्या निकला, अभी जो हम उसके हिजबुल्ला के लीडर्स थे
हसन नसरुल्ला साहब उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है ना। और क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर वो कह रहा है कि इनको बड़ा डीपली उन लोगों ने स्टडी किया था इनकी बेसिस को कई सालों से विद ह्यूमन विजुअल एंड टेक्निकल इंटेलिजेंस के थ्रू। तो यहाँ पर वो कहता है द इसराइल मिलिट्री वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दिस वेंचर नॉट द कन्फ्लिक्ट विद हमास। असल में जो इसराइल की मिलिट्री है वो हमास तो बहाना था, हमास के साथ लड़ाई के लिए नहीं तैयार हो रही थी, बल्कि पिछले कई सालों से इस बड़े एडवेंचर के लिए तैयार हो रही थी जिसमें ये मुख्तलिफ मुल्क उन्होंने टारगेट करने थे। और ये गेम उन्होंने शुरू की फ्रॉम पेजर एक्सप्लॉइट, पेजर्स को एक्सप्लॉइट करके, ठीक है। और प्लान तो उन्होंने कई महीनों से, कई बल्कि सालों से वो कर रहे थे, जिसके अंदर अब उन्होंने वार जो है लबनान के अंदर शुरू की है, और ये अब बस अभी शुरू की है, इसके बाद ईरान और आगे ये गेम चलती जाएगी। और यहाँ पर राइटर बेसिकली इस ओपिनियन में आपको साथ यही डिस्कस करना चाहता है कि वेस्टर्न जो सैटेलाइट्स थे वो पिछले कई सालों से, फ्रॉम मैनी ईयर्स, जो इसराइल के इंटरेस्ट के एरियाज थे, जैसे लबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है, ईरान है, लीबिया है, यहाँ पर वो पूरी क्या कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। और ये जो हमास के साथ अक्टूबर 7 को हुआ है, ये असल टारगेट नहीं था, ये तो बस एक शुरुआत थी। अब उसको एक्सपेंड करके अब लबनान के अंदर जो वार शुरू हुई है, दैट वाज द रियल टारगेट, और जिसके लिए उन्होंने कई सालों से मेहनत की थी। और इसका फिर एक ही बात है, अगर इसको मैं पेपर पर्सपेक्टिव में लेकर जाऊं तो बेटा क्या है, पेपर पर्सपेक्टिव में ये है कि ये जो वार है ये एक्सपेंड कर जाएगी रीजन के अंदर, और मे बी इट्स मूव टुवर्ड व्हाट, रीजनल वार से ये ग्लोबल वार की तरफ शिफ्ट कर जाए। अब रीजनल वार में सिंपल सी क्या है बात है जी, रीजनल वार में सिंपल सी बात जो है, वार्स किस तरह से, अब यहाँ पर ये लबनान के अंदर उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया है, यहाँ पर कौन है, हिजबुल्ला है, हिजबुल्ला को ईरान सपोर्ट कर रहा है, ठीक हो गया। यहाँ पर यमन के अंदर होती हैं, इनको भी ईरान सपोर्ट कर रहा है। अब यहाँ पर भी यूके और यूएसए ने ऑपरेशन शुरू किया हुआ है, यहाँ पर भी अब यूएसए की फोर्सेस आ चुकी हैं, ठीक है, फॉर इसराइल की सपोर्ट के लिए। तो अब जब ये काम हो रहा है तो दूसरी तरफ पे क्या है जनाब, ये रशिया है और ईरान है, और यहाँ पर फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली चाइना भी है, ठीक है। तो ये क्या है, वेस्टर्न ऑर्डर था और ये है ईस्टर्न ऑर्डर, वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर, ईस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है। तो यहां पर फिर ये मिलकर जो है अल्टीमेटली दे में भी प्रॉक्सी वार्स हो सकती हैं, डायरेक्ट वार्स हो सकती हैं, फिर इस तरीके से आस्ता आस्ता वार जो है वो एक्सपैंड कर सकते हैं। तो ये है आपके पेपर पर्सपेक्टिव में, ये किस तरीके से आप लोग इसको अपने पेपर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है जी बरिंग डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर राइटर कहता क्या है, राइटर वही जो आपकी 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रही है उसकी बात करता है, कहता है कि वन मस्ट स्टैंड अगेंस्ट एनी मूव टू टेम जुडिशरी। टेम होता है किसी को पालतू बनाना, कंट्रोल करना। तो कहता है यहाँ पर जो जुडिशरी को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, हमें उसके खिलाफ उठना चाहिए, ये गलत बात है, ऐसी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जुडिशरी अगर इनके कंट्रोल में चली गई, इनके ताबा जो आपकी अलीट क्लास है, आपकी जो पावर अलीट है उसके कंट्रोल में चली गई, तो रूलिंग एलीट के कंट्रोल में चली गई, तो फिर पाकिस्तान के अंदर से डेमोक्रेसी जो है वो खत्म हो जाएगी, मर जाएगी डेमोक्रेसी, ठीक है। तो इस तरह की बात करता है, और बातें वो क्या करता है, कहता है कि वैसे तो अगर हम देखें कि जो अब हुआ है ना पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के साथ, ये कभी भी नहीं हुआ था। नंबर वन, जब इलेक्शंस की बात की गई तो पहले तो इलेक्शंस देखें 60 दिन के अंदर होने थे, लेकिन जब 60 दिन के अंदर तब होते हैं जब जो है एक गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा कर लेती है, तो उसके बाद तो विद इन 60 डेज इलेक्शन करवाए जाते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट क्या करती है, वो असेंबलियां डिसॉल्व कर देती है, तो विद इन 90 डेज इलेक्शन करवाए जाते हैं। तो इन्होंने पीडीएम वालों ने एंड पर आकर असेंबली डिसॉल्व कर दी थी, ठीक है, एक दो दिन पहले, तो ये 90 डेज के अंदर करवाना था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन 90 डेज के अंदर इलेक्शन करवाना था। लेकिन इसने 90 डेज के अंदर इलेक्शन नहीं करवाया, इसने 180 डेज यानी कि 6 माह ले लिए तकरीबन, डिले कर दिया। और अगर करवाया ही करवाया तो फिर ब्रेकिंग कर दी, धांधली करवा दी, फॉर्म 45, फॉर्म 47। तो कहते ये पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में हो रहा है कि इतना तबाही मचा रही डेमोक्रेसी, ठीक है, एक काम ये कर दिया।
उसके बाद पोलिटिसाइजेशन कर दिया, जो स्टेट इंटेंटिस थी वहां पर क्या कर दिया, पोलिटिसाइज कर दिया, मैं मेरिट के ऊपर पोस्टिंग नहीं की गई, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भाई मानता ही नहीं है कोई यहाँ पर, जो मर्जी हो जाए, जैसे रिजर्व सीट का मामला देख लें, ठीक है ना। और इसके अलावा जब ये फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का मसला बनता है तो क्या किया जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कुछ कहा जाता है, आप ट्रिब्यूनल्स बनाएं और वो फैसले करेंगे। उसके बाद वो ट्रिब्यूनल्स जो बनाए जाने थे वो बनाए जाने थे सुप्रीम कोर्ट के जो है ना ऑर्डर्स के मुताबिक। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने एंड पर क्या किया, एक्स्ट्रा ट्रिब्यूनल्स कुछ बना दिया अपनी मर्जी से, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा जाड़ा, कोई बात नहीं, खैर सल है। फिर अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो रिजर्व सीट है, आप लोग लेक्चर सुनते ही रहते हैं, ज्यादा डिटेल में मुझे जाने की जरूरत नहीं है, वही बातें हैं कि उसके जो सीटें हैं वो दे दो इनको, लेकर नहीं दे रहा, इलेक्शन कमीशन ने नहीं बात मानी। और अब दोबारा से जो है लीगल अपना लेके आ गया कि जनाब यदि गवर्नमेंट वालों ने जो है वो पार्लियामेंट के अंदर एक पास कर दिया एक्ट जिसकी वजह से मैं नहीं दे पा रहा, तो आप मुझे और डिफाइन, मतलब लेकिन डिले करता है, तो कहते हैं ये पाकिस्तान में। और फिर डोमिनेशन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट है यहाँ पर, है कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशरी जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, 26th अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशरी को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो कहता है ये पहले भी पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का बुरा हाल हुआ, लेकिन जो अब हो रहा है ना ये तो उसकी तो हद ही मुक गई है। तो ये सारा काम कौन कर रहा है, ये सारे कौन है, डीप स्टेट्स हैं। कहते हैं डीप स्टेट्स क्या होती है, पहले भी डिफाइन कर चुका हूँ, डीप स्टेट सादा सी बात है, किसी भी मुल्क के अंदर जो स्टेट इंस्टीट्यूशन जो है वो इतने पावरफुल हो जाते हैं ना कि वो उस मुल्क की पॉलिटिक्स, उस मुल्क की पॉलिसी के अंदर आप उनका किरदार बड़ा मजबूत हो जाता है, तो हम कहते हैं वो स्टेट जो है वो डीप स्टेट है। वैसे तो आपके मुल्क की कोई भी पॉलिसी बनानी है, कोई भी लॉ बनाना है, तो वो लेजिस्लेटर बनाएंगे, पार्लियामेंटेरियंस बनाएंगे, लेकिन जब आपकी मिलिट्री उठ के बनाना शुरू कर दे, आपके पुलिस वाले या आपके कोई और डिपार्टमेंट्स वाले, तो वो डीप स्टेट कहलाती है। पाकिस्तान में ऐसे हो रहा है, तो कहता है इसके पीछे डीप स्टेट है। बाकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी, ये कहता है सिक्योरिटी अपरेटस की सिर्फ एक्सटेंशंस हैं, ये कुछ भी नहीं है इनकी अपनी हकीकत। अच्छा, अब यहां पर वो कहता है कि कुछ लोग जो हैं उनको चाहिए कि वो आए और आकर अपोज करें ये 26th जो अमेंडमेंट हो रही है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को कंट्रोल कर, जुडिशरी को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो कहता है कुछ लोग आए हैं लेकिन ज्यादा नहीं आए, मीडिया लीगल कम्युनिटी कोई नहीं आई, चुप करके सारे बैठे हुए, सिविल सोसाइटी चुप है बिल्कुल, वो भी नहीं बोल रही। तो इस वन मस्ट कहता है कि इस हमें रेजिस्ट करना चाहिए ताकि जुडिशरी जो है वो बच सके, ठीक है, कोशिश हम लोग को जरूर करना चाहिए, ये गलत बात है कि हम बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे। लॉयर्स मूवमेंट कहता है निकली थी 2007 के अंदर, जब जुडिशरी जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई, तो वकीलों की एक मूवमेंट निकली जर्मन परवेज मुशरफ के दौर में, जब उसने इलीगल इमरजेंसी लगाई थी, आपको पता ही है ना, जहां पर वकीलों को इफ्तिखार चौधरी उस वक्त था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हाउस अरेस्ट किया गया वकीलों को, जजेस को डिसमिस कर दिया गया, ये सारे काम हुए तब। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद फाइनली जो है बाद में क्या हो गया कि जब ये प्रोटेस्ट किए गए, तो ये जब परवेज मुशरफ साहब की पावर जब चली जाती है, तो उसके बाद जुडिशरी में दोबारा वही लोग आकर बैठ जाते हैं, पावर में यानी कि वापस आ जाते हैं। तो कहते हैं इस तरह प्रोटेस्ट करने की जरूरत है, ये क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो कहता है कि अब सारे का सारा ब्लेम जो है हम लोग एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाल दें और पॉलिटिकल रूलर्स ऑफ द डे, सारा ब्लेम इन्हीं के ऊपर है, यही कोशिश कर रहे हैं कि कंट्रोल किया जा सके हर चीज को, सो दैट्स व्हाई दे आर कंट्रोलिंग जुडिशरी। तो बाकी वो कहता है कि कोई भी मुल्क को लेजिटिमेसी बड़ी चीज होती है, कोई भी पोलिटिकल पार्टी है वो पावर में बैठी है, अगर वो लीगल तरीके से बैठी है तो फिर ही जो स्टेट है वो प्रोग्रेस करती है, लेकिन अगर आप इसी ऐसे ही किसी को पकड़ कर बैठा देते हैं तो आपकी स्टेट जो है वो प्रोग्रेस नहीं करेगी। अभी हमने केपी के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर एक मसला ये भी देखा कि वहां के लोगों को, वहां के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके ऊपर एतमाद ही नहीं रहा, और एतमाद ना होने की एक ही रीजन है कि वो लोग जो है लोगों के वोट लेकर नहीं बैठे, वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के थ्रू बैठे हैं। सो इन द सेम फैशन अगर हम इसको जो है लेकर आए पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान के ऊपर भी अगर जो कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, बेशक वो पीटीआई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, या कोई भी है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है, अगर तो वो लोगों का वोट लेकर आई है तो वो ठीक है, लोग उसको मानेंगे, लेकिन अगर वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके आई है तो लोग उसको नहीं मानेंगे, तो उससे क्या होगा, जो आपकी स्टेट है उसकी प्रोग्रेस नहीं होगी, ग्रो ही नहीं आपकी स्टेट होगी, लॉलेसनेस रहेगा आपके मुल्क के अंदर, ठीक है। और लॉलेसनेस की वजह से फिर क्या होगा, सिक्योरिटी आपकी खराब होगी, हो रही है ना बलूचिस्तान में,
रूल ऑफ लॉ जब नहीं रहेगा तो टेररिज्म होगा, क्राइम होगा, एक्सट्रीमिज्म होगा, एक्सटर्नल थ्रेट्स होंगे, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन वो कहता है कि हमारे जो रूलर्स हैं वो इन सच्चाइयों को जानबूझकर झुठलाते हैं, इनको अंडरस्टैंड नहीं करते, हालांकि उनको पता सारा है कि हमारी इन हरकतों की वजह से जो हमारा मुल्क है वो तबाह हो रहा है। बाकी अगर पेपर परस्पेक्टिव में बात करें तो बेटा, अगर आपके मुल्क में डेमोक्रेसी है, जुडिशरी एक्टिव है, तो मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा, सिक्योरिटी बेहतर रहेगी, टेररिज्म नहीं बढ़ेगा, क्राइम कंट्रोल में रहेगा, एक्सट्रीमिज्म, एक्सटर्नल थ्रेट, हर चीज आपके कंट्रोल में रहेगी। अगर डेमोक्रेसी नहीं है, जुडिशरी नहीं है, अल्टीमेटली डेमोक्रेसी तभी नहीं होगी जब जुडिशरी नहीं होगी, जब रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, तो ये सारी चीजें आपके मुल्क को तबाह कर देंगी, खोखला कर देंगी, और यही पाकिस्तान का हाल हो रहा है। पावर इज नॉलेज, बड़ा ही प्यारा लिखा है इन्होंने, है तो ये सारी की सारी बातें ही हैं, लेकिन इसके अंदर जो है, वैसे तो आपने लफ्ज पढ़ा होगा नॉलेज इज पावर, लेकिन यहाँ पर उसने कहा है पावर इज नॉलेज, ठीक है। कैसे कहा और क्यों कहा वो आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, बट इसके अंदर जो चीजें हैं दो तीन ही मेन चीजें हैं, ठीक है, दो तीन चीजों को एक्सप्लेन करेगा, आइडिया एक ही एक्सप्लेन करेगा। आइडिया इसके अंदर बेटा ये है कि अगर आप लोग नॉलेज को कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना, तो उससे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंट्रोल है। मतलब क्या है, पावर इज नॉलेज, कि जिनके पास पावर है वो अपनी मर्जी का नॉलेज लोगों को देते हैं। बात सुनने में, एक तो है नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज, इसको इस तरह से ले लेते हैं, चले नॉलेज इज पावर, मतलब जिसके पास इलम होगा वो पावरफुल होगा, यहां तक हो गया। दूसरा है पावर इज नॉलेज, कि जिनके पास पावर है वो अपनी मर्जी का इलम लोगों को देते हैं और उनको कंट्रोल करते हैं, उनको ऐसा इलम नहीं देते जिनसे उनकी क्रिटिकल अप्रोच डेवलप हो जाए, जिससे वो क्वेश्चन करना शुरू कर दें, ऐसा इलम लोगों को फिर नहीं दिया जाता। तो फिर पावर क्या है, नॉलेज है, और नॉलेज ही पावर है। तो यही आपको एक चीज मैंने इस ओपिनियन के अंदर समझानी है, अगर आपने गौर किया तो आप समझ जाएंगे। और अब मैं इसको करता हूं शुरू। कहता है कि पावर और नॉलेज का बड़ा ही कंप्लेक्स रिलेशन है एक दूसरे के साथ। अब कैसे है, इसमें तीन चीजें होंगी, एक तो करिकुलम, दूसरा उसकी असेसमेंट, और तीसरा टीचर। ये तीनों मिलकर आप क्या करते हैं, एक नॉलेज देते हैं सोसाइटी को। ऐसे ही है, करिकुलम क्या होता है, पहले इसको देख लें फिर आगे चलते हैं। करिकुलम सादा अल्फाज में जो आपको पढ़ाया जाता है, कोर्स, जैसे आपका CSS है, PMS है, इसके अंदर आपके 12 पेपर होने हैं, उसकी एक आउटलाइन है हर एक पेपर की, तो वही आपका करिकुलम है सादा अल्फाज, ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं मैं इसको करता, ठीक हो गया जी। और ये है जी करिकुलम, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, मेथड्स होते हैं, कैसे पढ़ाना है, एक्टिविटीज होती हैं, लेसन्स, प्लान्स, चैप्टर्स होते हैं, कोर्स होता है, ये सारे का सारा होता है। यानी कि बच्चे को पढ़ाना क्या है, दैट इज करिकुलम। आप छोटे लेवल पे आ जाओ तो कैसे पढ़ाना है, उसमें क्या एक्टिविटीज होंगी, क्या तरीकाकार होगा, दैट इज करिकुलम। कोर्स क्या है, ठीक है, सिलेबस क्या है, जो मर्जी क्या है, सब वैसे तो इसकी डेफिनेशंस डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन सादा करके आता हूँ, सादा करके पढ़ाता हूँ आपको कि करिकुलम क्या है, कि बच्चे आप पढ़ोगे क्या। यहां तक हो गया, तो अब ये क्या, अब आते हैं हम वापस अपनी बात के ऊपर। तो पहले नंबर पर ये डिजाइन करना कि आपको पढ़ाना क्या है, दूसरा जो पढ़ाया है चेक करना कि आपने अच्छा पढ़ा है या बुरा पढ़ा है, उसके बाद असेसमेंट करना, पेपर लेना, एंट्री टेस्ट लेना, एग्जाम लेना, और तीसरा टीचर जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से ये आपको पढ़ाए। तो ये तीनों चीजें जो है ये मिलकर क्या करती हैं, आपको देती हैं नॉलेज, और वो नॉलेज आपको बनाता है पावरफुल। लेकिन अगर आपके पास पावर है तो आप नॉलेज ही वो वाला दोगे जो आपकी पावर को ना छेड़े, ठीक है। तो ये है इन दोनों का रिलेशन। अच्छा, नॉलेज इज पावर, यहां पे सुने, नॉलेज इज पावर, नॉलेज ग्रांट, जहां पर क्या होता है, नॉलेज आपको पावर देता है, और दूसरा क्या है, पावर इज नॉलेज, जहां पर क्या होता है, पावर जो है वो प्रोड्यूस करती है नॉलेज अपनी मर्जी का, अपनी मर्जी का करिकुलम, अपनी मर्जी की असेसमेंट, अपनी मर्जी के टीचर। तो ये दो चीजें हैं, ठीक है ना। लेकिन वो कहता है दोनों तरीकों में, इन बोथ मीन्स टू अक्वायर पावर एंड मीडियम सस्टेन, ये कौन करता है, सोसाइटियल पावर डायनामिक्स। इसकी मैं आपको जिंदा मिसाल दे देता हूं, यहाँ पर जिंदा मिसाल ये है
कि आप बेशक अभी किताबें खोल के देख लें, जो आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं, जो पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स हैं, जो आपके गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई जा रही है बच्चों को, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 खोल लें, इस्लामियात की बुक खोल लें, उर्दू की बुक खोल लें, सोशल स्टडीज की बुक खोल लें, कोई भी बुक खोल लें, उन सब के अंदर आपको एक चीज कॉमन नजर आएगी और वो है हीरोज ऑफ पाकिस्तान। और हीरोज ऑफ पाकिस्तान के अंदर आपको एक ही फील्ड के ज्यादा बंदे नजर आएंगे और वो है आपके पाकिस्तान आर्मी के। वही आपको उर्दू में पढ़ाया जाएगा, बाद में वही बंदा बंदा चेंज हो जाएगा, होगा उसी डिपार्टमेंट का, फिर वो इंग्लिश में आपको एक लेसन दे दिया जाएगा, फिर बाद में इस्लामियात में भी आ जाएगा, फिर सोशल स्टडी में भी आ जाएगा, फिर उर्दू में भी आ जाएगा। यानी कि आपका जो करिकुलम है, आपकी जो बुक्स हैं, वो रोटेट कर रही हैं बच्चों को ये समझाने में, ये पढ़ाने में कि आपकी जो आर्मी है, आपके जो मिलिट्री पर्सन है, उन्होंने अगर वो ना हो तो पाकिस्तान 2 दिन बाद खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। तो डैट इज द रीजन आप जो भी मिडिल क्लास बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल, जो प्राइमरी क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, इनके बच्चों को इंटरव्यू लेके देख लें, आप उनसे पूछ लें, आप बड़ा होकर क्या बनेंगे, 2 ही जवाब आएंगे, मैं पुलिस वाला बनूंगा, ज्यादा कहेंगे मैं फौजी बनूंगा, दूसरा कहेगा मैं पुलिस वाला बनूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करके पूछ लें क्यों बनेंगे, वो कहेंगे पाकिस्तान को बचाना है। किससे बचाना है? इंडिया से बचाना है। और ये मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है एक दफा, आप भी करके देख लीजिएगा, आपको आइडिया। अब ये बच्चों को कैसे पता चला इंडिया हमारा दुश्मन है, बच्चों को कैसे पता चला मैं हमारे जो फौजी हैं वही बचाएंगे पाकिस्तान को? बिकॉज हमने उनको बताया, हमने उनको पढ़ाया, हमने उनको सिखाया, हमने उनको ये नहीं सिखाया कि अमेरिका कितनी तरक्की कर गया है, कैसे कर गया, हमने वो तरक्की करनी है। हमने उनको ये नहीं बताया कि डेवलप कंट्रीज क्या इनोवेशंस कर रही हैं, कहाँ पर जा रही हैं, हमने कैसे करना है। हमने उनको ये पढ़ाया कि मुल्क बड़ी कुर्बानियां देकर लिया है और अभी भी कुर्बानियां दे रहे हैं, और कुर्बानियां कौन दे रहे हैं, एक ही फील्ड के लोग दे रहे हैं, बाकी तो कोई कुर्बानी देता ही नहीं है, ठीक है। और दुश्मन का भी बता दिया, और दुश्मन से कैसे बचना है वो भी बता दिया, एंड दैट इज द ओनली वे। वो क्या है, आपने उनको गोलियां मारनी है तो फिर ही मुल्क बचेगा। आप टेक्नोलॉजी, लेकिन अब तो गोली चलाने की जरूरत ही नहीं है, अब जो वक्त आ गया, इसराइल ने क्या किया, पेजर अटैक किए, साइबर अटैक किए। होप कि आपको मेरा आइडिया जो है वो क्लियर हो चुका होगा कि राइटर क्या कहना, राइटर बेसिकली यही कहना चाहता है, मैंने साथ में एग्जांपल लगा के बता दिया। तो राइटर यही कहता है कि जिनके पास पावर है ना, वो अपनी मर्जी का नॉलेज देते हैं आपको, ठीक है। और डैट इज द रीजन कि पाकिस्तान के अंदर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना पर आप PhD नहीं कर सकते, बंद है, ठीक है। अच्छा, कोरिकुलम क्या करता है, पावरफुल मीडियम है बोथ एक्सप्रेसिंग द रीइंफोर्सिंग पावर। कोरिकुलम क्या करता है, ये प्राइमरली इसके तरीके से पर्सपेक्टिव, प्रायोरिटीज और वैल्यूज ऑफ दो जो पावर में होते हैं ना, वो क्या पढ़ाना चाहते हैं, किस तरह का पढ़ाना चाहते हैं, इसके जरिए वो डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है ना। इसमें वो क्या कहते हैं, कुछ हिस्ट्री की बातें वो निकाल देते हैं, कुछ रहने देते हैं, उनकी मर्जी है। 1965 की वार हुई, जो मर्जी है बच्चों को लिख के देने, बच्चों ने तो हिस्ट्री पर बिलीव करना है। 1947 में पाकिस्तान बना, जो बच्चों को लिख के देंगे वही पढ़ना है, ठीक है। तो दैट इज द रीजन, अगर आप लोग आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, अपने स्टेट के इंस्टीट्यूशन को क्रिटिसाइज करते हैं, तो आप बगावत करते हैं, आप पे ऊपर 780 के लग जाएगी, टेररिज्म की और बड़े दब्बे लगेंगे, और आपको सखा से सखा सजा भी हो सकती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर राइटर यही बता रहा है कि बेसिकली जो पावर में है, दे डिफाइन कि आप क्या पढ़ेंगे, आपको कौन सा नॉलेज दिया जाएगा, जो चाहें किताबों में से निकाल लें और जो चाहें रख लें। तो यहां पर वो एग्जांपल्स देता है, हम आजाद हो चुके कब हुए, 1947 में, लेकिन अभी भी कहता है जो हमारा एजुकेशन का करिकुला है वो कॉलोनियल पावर को रिफ्लेक्ट करता है, कल्चरल, हिस्टोरिकल, लिंग्विस्टिक हेरिटेज। इंग्लिश के बगैर कर लो CS होगा, क्यों है इंग्लिश, क्यों है इंग्लिश आपके कोर्स में, सारा इंग्लिश में, ऐसे में क्यों फेल होते हैं, इंग्लिश नहीं आती, क्यों है, ये है इसकी वजह से है भाई। अफ्रीकन कंट्रीज जो आपकी हैं, वो यूरोपियन लिटरेचर अभी भी पढ़ा रही हैं, हिस्ट्री अभी भी पढ़ा रही हैं, आपने लोगों को वहां की लोकल सिस्टम नहीं पढ़ाते, लोकल कल्चर नहीं पढ़ाते, कल्चरल हेजेमोनी है, डोमिनेट करता है उनका कल्चरल, और लोकल कल्चर पीछे रह जाते हैं। यानी कि आपको शेक्सपियर पढ़ाया जाता है इंग्लिश में, तो क्या आपको शेक्सपियर इंग्लिश में पढ़ाया जाता है और दूसरी जो बड़ी चीजें पढ़ाई जाती हैं, तो जो दूसरे राइटर्स हैं उनकी ट्रांसलेशन करके आप वो नहीं पढ़ सकते इंग्लिश में? तो यहाँ पर बात यही है कि जो पावरफुल है भाई उसी को फॉलो करना है। और पावरफुल कौन था उस वक्त, उस वक्त कॉलोनियल मास्टर थे,
उनकी लैंग्वेज इंग्लिश थी, वो आप सुनते थे, वो आप बोलते हैं। आज भी पाकिस्तान को बने कितने साल हो गए हैं, तो आज भी हम लोग वही प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उसकी रीजन यही है कि वो तब भी मास्टर्स थे और वो आज भी मास्टर्स हैं। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में भी यही हो रहा है। यहां तक कि पाकिस्तान के अंदर फोकस किया जाता है, सिमिलरली पाकिस्तान द फोकस ऑन सर्टेन एथनिक ग्रुप्स जो है मार्जिनलाइज्ड जो है पीछे रह गए हैं, जैसे नॉन मुस्लिम्स हो गए, पुअर गर्ल्स हो गई, वुमेन्स हो गई, उनको भी उनको खास पढ़ाई नहीं करवाई जाती। उनके नॉलेज को कहता है डायरेक्टली क्या करता है, स्टूडेंट्स की लर्निंग के ऊपर इम्पैक्ट करता है। अब देखें स्टूडेंट्स, व्हाट स्टूडेंट्स लर्न, हाउ दे थिंक एंड अल्टीमेटली हाउ दे परसीव देयर प्लेस इन सोसाइटी। बच्चों को क्या पढ़ाना है, बच्चे क्या सोचेंगे, बच्चों सोसाइटी को कैसे देखेंगे, बच्चों को गुलाम बनाना है या बच्चों को सरदार बनाना है, वो जो आप पढ़ाएंगे वहीं से बच्चा निकलेगा। और वो कौन डिसाइड करेगा, आपकी जो पावर लीड है। लर्निंग डिजाइन जो है, असेसमेंट जो है, कैन बी पावरफुल टूल्स टू एनफोर्स डोमिनेंट सोसाइटल वैल्यूज एंड पावर स्ट्रक्चर, जो भी है वो आप उनके ऊपर डाल देते हो, बच्चे उसी को इस्तेमाल करते हैं, जो आपने कोर्स आउटलाइन सेट कर दी बच्चे उसी को पढ़ते हैं। और यही होता है कि बच्चे फिर क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं, और कंपटीशन की वजह से एक ही चीज उनके अंदर आती है, वो होती है कि मैं कामयाब हो जाऊं, दूसरों को पीछे छोड़ दूं, इंडिविजुअल अचीवमेंट। तो उसकी वजह से बच्चों का माइंड सेट मान रहता है कि कल को मैं पैसे कमाऊं, मैं अमीर हो जाऊं, बाकी कम्युनिटी या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो कदर नहीं करते। एंड दैट इज द रीजन कि आपके 99% जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको गरीब तो वैसे ही पसंद नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका माइंड सेट जो है एग्जाम दे दे के उसके बाद ट्रेनिंग करवा करवा के कुछ जो है वो बच जाते हैं, बाकी जो बाद में अल्टीमेटली जब आप ब्यूरोक्रेट बन जाते हैं तो एलीट क्लास में आपका पहुंच चला जाता है, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो अगर आप फिर एलीट क्लास का जो है सामान्य हिस्सा बन गए तो फिर उनके साथ आपने रिलेशंस रखने हैं, उनका रंग आपके ऊपर चढ़ता है, और उनका रंग यही है, और वो रंग ये है कि सोसाइटी जाए बाढ़ में जहाँ जाती है, कम्युनिटी जाए जहाँ जानी है, हमारी सीट सिक्योर है, हमारा मामला ठीक है। एंड दैट इज द रीजन कि पाकिस्तान जल रहा है, बलूचिस्तान के पे की तबाही हो रही है, लेकिन आपकी एलीट क्लास आराम से रूलिंग क्लास बैठी हुई है, उसका कोई इशू नहीं, ठीक है। तो यही चीज कहाँ से आती है, यहीं से आती है। तो सेंट्रल रोल जो है इन पावर नॉलेज टैक्सेस में किसका, करिकुलम का, कि आपको पढ़ाया क्या जा रहा है। और इसके लिए बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं वो जंग करते हैं कि क्या पढ़ाना है, क्योंकि यहाँ से ही पावर निकलती, पावर डायनामिक्स जो है एजुकेशन को निकलते हैं, यहाँ से पता चलता है कि एजुकेशन कितनी पावरफुल है, लेकिन अगर असल एजुकेशन बच्चों को दी जाए, ठीक है। आगे जी, एक तो करिकुलम वाली बात होगी, डिसाइड कर लिया बच्चों को पढ़ाना कैसे है, बच्चों को पढ़ा भी दिया भाई, अब नेक्स्ट बच्चों ने अच्छे तरीके से पढ़ा या नहीं पढ़ा, तो उसके लिए असेसमेंट की जाती है, ठीक है ना। उसके लिए उनके टेस्ट लिए जाते हैं, उनको कहा जाता है मेमोराइज करो, अच्छे नंबर आ जाएंगे। जब वो मेमोराइज करते हैं तो क्रिटिकल थिंकिंग तो खत्म होगी ना उनकी, सोचना ही नहीं है उससे बाहर। इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है ना, डेफिनेशन है, यानी कि क्या जिसके नंबर ज्यादा है वो बच्चा लायक है, बस यही है हमारे पास। उसको बेशक बात करने का ना पता हो, आर्गुमेंट बिल्ड डेवलप करने का ना पता हो, लेकिन जो जिसके नंबर ज्यादा है वही बच्चा जो है क्या है, कामयाब। तो इसमें क्या होता है कि फिर जिन बच्चों को, जो बच्चे अमीर हैं, वेल्थियर हैं, वो क्या करते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ लेते हैं, अच्छे टीचर से पढ़ लेते हैं, अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो वो क्या होती है, उनकी कामयाबी की रेशो बढ़ जाती है। अब असेसमेंट क्या है जी, किस तरह से फिर की जाती है, इंट्रेंस एग्जाम हो गए, अभी एमडी कैट हुआ आपका, ठीक है ना, एम कैट जिसको बोलते हैं मेडिकल का, वो हुआ, फिर आपका सीएसएस का हो जाएगा, फिर आपका पीएमएस का हो जाएगा, सिविल जज का हो गया, पीपीएससी के पेपर्स हो गए। ये क्या है बच्चे, यही है कि आपने जो पढ़ा सही तरीके से याद है, ठीक है, उसमें खास किस्म का नॉलेज आपका देखा जाता है, ठीक है। और आप लोग क्या करते हैं फिर, जाहिर है जो अच्छी जगह से ट्यूटर लेता है, अच्छी प्रैक्टिस करता है, तो वो उसके कामयाबी के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। यहाँ पर फिर तीसरा नंबर पर आता है टीचर, टीचर का अहम करदार है, टीचर डिलीवरी करता है करिकुलम के साथ, करिकुलम और असेसमेंट के दरमियान जो तीसरा है स्टूडेंट के लिए वो है टीचर, ठीक है ना। टीचर जो है वो क्या करता है, दो तरह के कहता है टीचर्स होते हैं जी, एक तो वो होते हैं जो क्रिटिकल एबिलिटी बच्चों के अंदर पैदा कर देते हैं, जो तो वो ये पैदा करते हैं, तो ऐसे टीचर्स होते हैं वो बच्चों के लिए क्या करते हैं, उनके अंदर थिंकिंग की पावर आ जाती है, क्रिटिकल एनालिसिस आ जाता है उनके अंदर, वो चीज़ों को सही गलत कैसे है दलील दे के बात करके साबित करते हैं और उनकी बात को समझ भी आती है, तो ऐसे कुछ टीचर्स होते हैं। तो हमारा जो मेन मकसद है इन ओपिनियंस का भी यही है कि आपके अंदर क्रिटिकल अप्रोच डेवलप हो। दूसरी तरफ वो टीचर होते हैं
जो फॉलो करते हैं, जो उनको करिकुलम दिया गया है, इसके अंदर वो कोई ज्यादा चीजें ऐड नहीं करते, सीधी सीधी बात पढ़ाते हैं और बात खत्म, ठीक हो गया ना। तो पावर वो कहता है बहरहाल सोसाइटी जो होती है वही डिफाइन करती है कि पावर जो है, यानी कि सोसाइटी लैंडस्केप जो है, जो पावर में लोग हैं वही डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? कि पावर जो है, नॉलेज जो है, उसको यूज करना है लोगों को ताकतवर बनाने के लिए या लोगों को गुलाम बनाने के लिए। तो जैसा लोगों को पढ़ाएंगे वैसे लोग आपके बनेंगे, ठीक है ना। नॉलेज इज नेदर न्यूट्रल, इट इज शेप पावर रिलेशंस। जो क्रूशियल नॉलेज होता है वो पावर रिलेशन से डेवलप होता है। बाकी कंट्रोल करते हैं जी नॉलेज को, किस आपको सारा का सारा मैंने बता दिया कि क्या है इसके अंदर। इसके अंदर यही है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोसाइटी ग्रो करे तो आपको जो है ना कंट्रोल जो नॉलेज के ऊपर करते हैं उसको देखना पड़ेगा कि आप कैसा नॉलेज कैसा दे रहे हो, डिजाइन क्या है आपके करिकुलम का, असेसमेंट कैसी है, पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस कैसी हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी अगर आप एक अच्छा एजुकेशनल सिस्टम ड्राफ्ट कर लेते हो जिसके अंदर सब लोगों को इक्विटेबल जो है क्या किया जा सकेगा, वैल्यू दी जा सकेगी, एक जैसा पढ़ाया जाएगा। तो उससे क्या होगा, आपकी जो सोसाइटी है उसके अंदर जो बच्चे पैदा होंगे, जो आपके स्टूडेंट्स होंगे, वो पावरफुल होंगे, ठीक है। वो उनका जो नॉलेज होगा वो पावर उनके लिए लेकर आएगा, उनको गुलाम नहीं बनाएगा। तो ये है चीजें, इसमें जो नॉलेज है वो पावर भी है और जो पावर है वो नॉलेज भी है। नॉलेज क्या पावर है? अच्छा नॉलेज हासिल किया आपके, आप जहनी तौर पर अमीर हो गए तो आप वैसे भी अमीर हो जाएंगे, पावर आ जाएगी। दूसरी पावर ये है कि आप पावर में हैं, अब आप दूसरों के नॉलेज को कंट्रोल करते हैं, आप स्टूडेंट का देखते हैं इनको क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। सो दैट इज द पावर ऑफ नॉलेज, ठीक है ना, पावर इज नॉलेज। तो ये दो चीजें थी। तो यहां पर भी आपने देखा बेटा, अगर इसको मैं पेपर पर्सपेक्टिव में लेकर जाऊं तो देखिए आप इसको अपने पेपर में डिस्कस कर सकते हैं। अब अक्सर क्वेश्चन किया जाता है एम ऑफ एजुकेशन, अबे यार एम ऑफ एजुकेशन तब भी समझोगे ना, पहले ये तो देखो एजुकेशन दे कौन सी रहे हो भाई। एक बच्चा जी कहते हैं जी स्कूल जा रहा है, बीए कर लिया है, एमए कर लिया है, उसके पास जॉब नहीं। अबे जॉब कहाँ से होगी, उसके पास क्रिटिकल एनालिसिस की अप्रोच ही नहीं है, उसके अंदर तुम लोगों ने कॉन्फिडेंस डाला ही नहीं है। उसको तुमने कहा बस ये दो चार सवाल याद करो, उसने सवाल याद किया, आपने उसका पेपर लिया, उसका हल किया, उसको अपना नंबर दे दिया, तू कर जा भाई। अभी उसको सिखाया गया आपने, उसको बताया गया आपने, उसको समझाया सोसाइटी कैसे चलती है, उसको बताया क्या करना है जिंदगी में, क्या चीज क्या उसमें आपने डाली, कौन सी एजुकेशन आपने उसको दी। आप सबसे पहले एजुकेशन तो देखो ना कौन सी दी, उसके बाद उससे कुछ एक्सपेक्टेशंस करो। जब आप एजुकेशन ही वो वाली दे रहे हो जो क्रिटिकल अप्रोच ही डेवलप नहीं कर रही, तो उसके बाद फिर उसे क्या फायदा होगा। और यहाँ पर मैं इसको कंक्लूड करने से पहले अभी मेरे जेहन में क्लिक किया है अलिफ लाम मीम, कुरान मजीद अल्हम्दुलिल्लाह पहले पेज पे, उसके बाद आता है अलिफ लाम मीम, आता है ना आपका एक पेज, और उसके बाद आपका थर्ड पेज शुरू होता है। बेटा ये जो दूसरा पेज है ना, इसका तर्जमा पढ़ना जाकर आपको पता चलेगा। इसका तर्जमा मैं क्रक्स बता देता हूँ, इसका तर्जमा अल्लाह ताला ने बताया है। क्या जिस तरह से हम कोई बुक पढ़ते हैं ना, उसके शुरू में एक्नॉलेजमेंट होता है ना, एक्नॉलेज्ड प्रीफेस, जिसमें बताया जाता है कि इस बुक में होगा क्या। तो इस पेज के अंदर सिर्फ अल्लाह ने यही बताया है, अल्लाह ने बताया कि इसके बाद जो सारी की सारी ये बुक है ना, ये तुम किसको फायदा देगी। और वहां पर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये इसके बाद तीसरे पेज से ऑन वर्ड जितनी बुक है भाई, ये उसको फायदा देगी, किसको, जो ब्रीक बीन है, जो चीजों का मुशाहदा करता है, जो ऑब्जर्व करता है, जो देखता है, जो क्वेश्चन करता है, मतलब जिसके अंदर क्रिटिकल अप्रोच है उसको फायदा मिलेगा, जिसके अंदर क्रिटिकल अप्रोच नहीं है वो इसको 75 दफा पढ़ ले उसको कोई फायदा नहीं होगा। तो ये अल्लाह ताला ने इसमें फरमाया। तो इन द सेम फैशन भाई एजुकेशन तो दे रहे हो, दे कौन सी रहे हो, पहले ये तो देखो बच्चों को पढ़ा क्या रहे हो, कहीं वो वाला तो नहीं पढ़ा रहे जो ये पावरफुल लोग चाहते हैं आप लोग पढ़ाएं। तो यही पढ़ाया जा रहा है, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी, 5-6 किताबें हैं, आप खोल कर देख लें और उनमें एक ही लेसन दिया हुआ है डिफरेंट रैंक्स के, और वो क्या है कि पाकिस्तान खड़ा है। तो किस वजह से खड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी खड़ी है, वरना ये नहीं। और दूसरी तरफ आप उनको लेसन ये दिया जा रहा है कि हमारा दुश्मन कौन है, इंडिया, ठीक है। और तीसरी तरफ वो बच्चे फिर क्या कहते हैं, मैंने बड़ा होकर फौजी बनना है, मैंने बड़ा होकर पुलिस वाला बनना है। उनको नहीं पता दुनिया में कोई और भी प्रोफेशन है, क्योंकि उनको पैदा होते ही आपने परेशानी में डाल दिया कि आप जिस मुल्क में पैदा हुए हो
इसका दुश्मनी बहुत बड़ा है और बड़ी मुश्किल से हम इसको चला रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप देखें, पढ़ें, समझें और अपने क्रिटिकल अप्रोच डेवलप करें, और इंशाल्लाह ये पेपर जहां तक ऐसे का है ना, मल्टीपल डायमेंशंस में आप इसे लिखेंगे, ठीक है। बाकी कोई इशू हुआ तो ये व्हाट्सअप नंबर है, डिस्कस कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच। अगर जिंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।